हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा में। और आज अपनी खास कॉल्स लेकर, अपनी पोजिशनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात गौरांग जी, बताएं कौन सी मुनाफे की दमदार कॉल्स आज आप देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बुनियादी दर के आधार पर हमने दो विकल्प ढूंढे हैं लंबी अवधि के लिए, ये निवेश की राय है। तो पहली कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी वर्ल्ड लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी प्रोसेसेस करती है, और काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है इस कंपनी की। एग्जीक्यूशन को लेकर के हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से ये बदलाव की नीति सरकार ने ज़मीनी स्तर पर लागू की है, उसके कारण ना तो सिर्फ इस कंपनी के ऑर्डर बुक और बढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो एग्जीक्यूशन करने की क्षमता है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अनुभवी है, और नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है कि जिस स्तर पर इसका शेयर कामकाज कर रहा है, करीबन 160 के आसपास, एक बहुत बढ़िया विकल्प है अगर किसी को लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। तो पहला विकल्प है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दूसरा विकल्प ऊर्जा क्षेत्र से, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से, यानी कि एनर्जी जनरेशन, पावर जनरेशन, और नाम है टाटा पावर लिमिटेड। नाम काफ़ी है, कई बार तो ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सोलार को लेकर के इन्होंने ज़मीनी स्तर पर रणनीति उतारी है, काफ़ी अच्छा योगदान कन्वेंशनल पावर से तो आता ही है, लेकिन सोलार एनर्जी से भी काफ़ी बड़ा योगदान आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, और यहाँ पर भी करीबन 220 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे कम, और ऊपर में करीबन 275 से लेकर के 300 तक के लक्ष्य लंबी अवधि में हम देख सकते हैं नतीजों के आधार पर। एक ही विनती होगी ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को कि अगर आप निवेश बनाने का मन बनाते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर सुझाव है, तो 1.5-2 साल का नजरिया बिल्कुल रखें। ठीक है, तो टाटा पावर और श्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये दो स्टॉक्स आज गौरांग के बाय लिस्ट पर रहेंगे। शुक्रिया गौरांग, ये दोनों स्टॉक्स और इनके फंडामेंटल्स भी हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।